बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک فضیلت اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کا دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ حبیب प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, किसी का नाम बिगाड़ना यानी ऐसे नाम से पुकारना जो उसे बुरा लगता हो, मसलन कालू, मोटू, लंबू वगैरह कहना बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक ने भी हमें बुरे नाम रखने से मना फरमाया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। अगर किसी के नाम बिगाड़ने की आदत हो तो उसे अच्छे अंदाज से समझाएं और खुद भी किसी का नाम बिगाड़ने से बचें। आप खुद गौर कीजिए, आप ज्यादा खुशी कब महसूस करते हैं? जब कोई आपको नाम से पुकारता है उस वक्त या नाम बिगाड़ते वक्त? यकीनन जब हमें कोई नाम लेकर पुकारता है तो हम अच्छा फील करते हैं। हाँ, एक बात याद रखिए कि बड़ों को कभी नाम लेकर ना पुकारिए। बड़ों को हमेशा अदब के साथ ही पुकारिए, जैसे चचा को चचा जान कहकर पुकारना, मामू को मामू जान कहकर पुकारना। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाजरीन, चलिए शुरू करते हैं अपने खबरनामे को और सबसे पहले सुनते हैं हेडलाइंस। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर एक सर्वे, शामिल करेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट, दिखाएंगे एक एक्टिविटी एक्टिविटी डेस्क में, क्लिप डेस्क मदनी मुदाखले के अपडेट, रोज मुबारक छोटी आपा सिखाएंगी अच्छी अच्छी बातें, जानेंगे एक छोटा काम बड़ा फायदा। हेडलाइंस आपने जानी और अब हम आपको लेकर चलते हैं सर्वे की जानिब और देखते हैं कि जैन भाई हमें क्या अपडेट दे रहे हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मैं हूँ जैन और आज मैं आया हूँ मदरसतुल मदीना मुस्लिमाबाद ब्रांच में, जहाँ पर हम मोबाइल के हवाले से एक छोटा सा सर्वे करेंगे। तो आइए बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मेरा आपसे सवाल है कि क्या मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई पर असर डालता है? जी बिल्कुल, काफी फर्क पड़ता है। जी असर डालता है। जी बिल्कुल, अगर आप गेम वगैरह पे ध्यान दे दें तो डालता है। जी हाँ बिल्कुल असर डालता है, जैसे आप गेम वगैरह खेलें या किसी और चीज में लग जाएं तो असर बिल्कुल डालता है। जी हाँ बिल्कुल असर डालता है, गेमिंग जैसे कोई और चीजों में घुसे तो डालता है। जी बिल्कुल डालता है। जी हाँ, अगर आप मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो असर डालेगा। दावत इस्लामी की कोई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं। सिरातुल जिनान एप्लीकेशन, नमाज टाइम है, कलमा और दुआ ऐप, नमाज टाइम प्रेयर टाइम एप्लीकेशन, दावत इस्लामी डिजिटल सर्विसेज, सिरातुल जिनान एप्लीकेशन, कलमा दुआ ऐप। क्या आप मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ते हैं? जी रात को अगर टाइम मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं। जी हाँ मोबाइल पे जब टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं। जी हाँ। क्या मोबाइल से इल्म-ए-दीन सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल। जी हाँ मोबाइल से इल्म-ए-दीन सीखा जा सकता है। जी बिल्कुल सीखा जाता है, बहुत से आलिम-ए-दीन ऐसे होते हैं जो आपको मोबाइल पे क्लासेस देते हैं, जैसे दावत इस्लामी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उससे भी आप सीख सकते हैं। जी बिल्कुल सीखा जा सकता है, दावत इस्लामी की बहुत सी एप्स हैं जिससे हम दिन में इल्म दिन सीख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सीख सकते हैं आप, जो दावत इस्लामी के ऐप से सीखे हैं क्या मनी चैनल पे देखें। जी सीखा जा सकता है। हाँ अल्लाह माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जज़ाकअल्लाहु खैरा। आमीन। ये था छोटा सा सर्वे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सर्वे में। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट की जानिब और देखते हैं कि आज की रिपोर्ट किस टॉपिक पर तैयार की गई है। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा।
मैं हूँ फाद और आज मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट सेगमेंट में वेलकम करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस स्पेशल रिपोर्ट सेगमेंट में ना सिर्फ हमारे होस्ट बल्कि नाज़रीन को भी नॉलेज का खजाना मिलेगा। कैंगरू का नाम उर्दू और इंग्लिश में एक जैसा ही है। इनकी कुछ इकसाम में ईस्टर्न ग्रे कैंगरू, रेड कैंगरू, एंटीलोपाइन कैंगरू और वेस्टर्न ग्रे कैंगरू शामिल है। ज़ूस यानी चिड़ियाघरों के अलावा ऑस्ट्रेलिया में ये 40 लाख से भी ज्यादा है। कैंगरूस अपनी निचली दो लंबी मजबूत टांगों को एक साथ वजन देकर चलते हैं जो एक जम की तरह महसूस होती है। इन टांगों के बाद एक ताकतवर लंबी दुम और सामने दो छोटी टांगे भी होती हैं। बच्चों, कैंगरूस की एवरेज जम 1.2 मीटर यानी 4 फीट से 1.8 मीटर यानी 6 फीट तक होती है। इनका जम करते रहने का एक चक्कर 9 मीटर यानी 30 फीट तक हो सकता है और ये तकरीबन 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग सकते हैं। कैंगरू ना सिर्फ जम कर सकते हैं बल्कि तैराकी यानी स्विमिंग भी कर सकते हैं। मेल कैंगरू को बक और फीमेल कैंगरू को डो और बच्चे को ज्वाइस कहते हैं। मेल कैंगरू को बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है और इनकी हाइट इंसानों से भी लंबी हो जाती है। बक की बॉडी हाइट अंदाजे से 3 फीट से 8 फीट तक हो सकती है। वजन 30 केजी से 90 केजी तक हो सकता है जबकि इनकी दुम साइज में 3 फीट तक लंबी हो सकती है। फीमेल कैंगरू यानी डो वजन में 15 केजी से 40 केजी तक हो सकती है। प्यारे बच्चों, जब कैंगरू पैदा होता तो इसका तकरीबन साइज 1 इंच और वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है। कैंगरू एक मैमल तो है पर ये मार्सुपियाल एनिमल है जिसकी जिंदगी 23 साल तक हो सकती है। मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स को कहा जाता है जिनके जिस्म में एक पाउच होता है जहां वो अपने बच्चे को रखते हैं जब वो छोटे होते हैं। बच्चों, कैंगरूस हर्बीवोर्स यानी घास, पौधे, फूल और पत्तों को अपना चारा बनाते हैं। कैंगरूस पानी भी बहुत कम पीते हैं। ये दिन में सिर्फ 2 से 3 लीटर तक पानी पीते हैं और बगैर पानी पिए भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। कैंगरूस दिन में बाहर निकलते हैं लेकिन ये ज्यादातर खाना पीना फजर और मगरिब के वक्त करते हैं। कैंगरूस के कुछ शिकारी हैं जैसे कि डिंगू और तस्मानियन टाइगर वगैरह के अलावा जंगली कुत्ते और लोमड़ी भी। हमने अक्सर ये सुना है कि लड़ाई तो जानवर करते हैं। कैंगरूस को जब आपस में कोई मसला होता है तो ये लड़ाई का मैदान सजाते हैं और सबको मालूम होता है कि मेल कैंगरूस क्यों लड़ रहे हैं। कैंगरूस खाने या फिर अपनी जगह को महफूज रखने के लिए या जब उन्हें कोई खतरा महसूस हो तब लड़ते हैं। कैंगरू के दांतों में से नीचे के अगले दांत नोकीले तीर की तरह बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। बच्चों, अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां देखें कि कैंगरूस को पसीना नहीं आता जबकि इंसानों को आता है। जज़ाकअल्लाह खैरा, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत खूब। इसके साथ ही चलते हैं मदनी मुज़ाकरे की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास मदनी मुज़ाकरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। बच्चों का खबरनामा, मदनी चैनल का सबसे स्पेशल और फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत से किए जाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे में बहुत सारे लोग फैज़ान मदीने में हाजिर होकर मुर्शिद करीम की ज़ियारत करते हैं और सुनते हैं मदनी मुज़ाकरा और बहुत सारे लोग मदनी चैनल के जरिए भी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सीखते हैं प्यारी प्यारी दीनी बातें। मदनी मुज़ाकरा हर एक को देखना चाहिए क्योंकि इसमें होती हैं सबके लिए इल्म की बातें, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से सवालात होते हैं जिनके जवाब अमीर अहले सुन्नत बहुत ही प्यारे और अच्छे अंदाज में देते हैं। जैसे कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल हुआ, क्या कुरान करीम देखकर पढ़ना बेहतर है या जुबानी? अमीर अहले सुन्नत ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, कुरान करीम देखकर पढ़ना अफजल है, इसमें देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है। आप इस तरह की मजीद प्यारी प्यारी बातें मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करके सुन सकते हैं और जो बच्चे मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी वीडियोस भेजकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सल्लू अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी मुज़ाकरे के अपडेट के बाद जान भाई कोई कलाम तो सुना दें जिससे मजे को मजा आ जाए। जी, मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को एक जबरदस्त कलाम सुनाता हूँ। जान भाई, कलाम का नाम तो बताएं। फिजान भाई, आप कलाम सुने, सुभान अल्लाह कहें और मदीने की याद में झूमें। जज़ान भाई बता दे प्लीज। फिजान भाई, किड्स मदनी चैनल का मशहूर प्रोग्राम महफिल नूर में खूबसूरत अंदाज में कलाम उनका मांगता हूँ, नातखवा भाई ने पढ़ाए, आइए मिलकर सुनते हैं। बच्चों का खबरनामा, उनका मांगता उनका मांगता
और डेस्क की जी। तो फैजान भाई, एक्टिविटी डेस्क में क्या होगा? जी इसमें मैं आपको और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज दिखाऊंगा। जी फैजान भाई, वैसे भी हमारे किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज बहुत मशहूर हैं। जी आज मैं आपको हमारे इस्लाम प्रोग्राम की एक्टिविटी दिखाने ले जा रहा हूँ। एक्टिविटी का नाम है हिसाब किताब। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, इस सेगमेंट में होता है क्या है ये तो आप सब जानते ही हैं। अब कौन आ रहा है टीम में से? जी आप आ जाएं। जी और चलें बताएं क्या जवाब है। टेन माइनस सेवन माइनस टू क्या हो रहे हैं? कितना हुआ? इन्होंने आंसर लगाए है और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे बच्चों, इनका जवाब दुरुस्त है। अब तस्बीह फातिमा में इसके, अब कौन आ रहा है टीम में से? जी आप हैं। इस्लामी नस्बत ढूंढ रहे हैं हमारे बच्चे, तो इस्लामी नस्बत क्या आएगी देखते हैं। जी जी रमज़ान शरीफ की मखसूस वक़ात ताकराते हैं। तारीख़ विसाल बीबी खदीजतुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देखते हैं क्या आती है हमारी बोर्ड का आंसर। आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरी तो बताएं, मैं करूं आपकी हेल्प। कुछ करीब करीब ही है। नमाज में हम तस्बीह पढ़ते हैं, हम नमाज के बाद एक ख़ास तस्बीह पढ़ते हैं, वही इसका आंसर है। जल्दी जल्दी ढूँढें, टाइम ख़त्म हो रहा है। काउंटिंग शुरू कर देगी टीम भी, जल्दी जल्दी ढूँढ लें। जी काउंटिंग शुरू करें। टेन नाइन एट सेवन सिक्स
6 5 4 3 रुके, जवाब इन्होंने ढूंढ लिया, जवाब ढूंढ लिया इन्होंने। अब देखते हैं इन्होंने जवाब जवाब ढूंढ लिया इन्होंने। जी हाँ जी बिल्कुल सही लग गया। इन्होंने लगाया है तस्बीह फातिमा में लव सीन से शुरू होने वाले विर्द, और वो है सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इस तरह टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, टीम ए ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बुलाते हैं हम टीम बी से एक बच्चा, और कौन आ रहा है? जी मामून भाई। नाइन्टी प्लस टेन प्लस फोर्टीन क्या आंसर बनता है देखते हैं ना। प्लस 90 प्लस 10 प्लस 14 जी इन्होंने लगाया 114। इनका आंसर तो दुरुस्त है। आप दूसरे बच्चे को बुलाते हैं, कौन आएगा? जी आप हैं वन हंड्रेड फोर्टीन क्या है 114। देखते हैं ये क्या चीज़ है, क्या इस्लामी नस्बत बनती है इसकी। चलिए फ़ौरन लगा लिया माशाल्लाह माशाल्लाह, काउंटिंग शुरू होने से पहले भी लगा लिया टीम। इन्होंने लगाया कुरान पाक की सूरतें, और इनका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की सूरतें कितनी हैं? 114 यानी कि 114। प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपनी टीम की तरफ और बुलाते हैं एक और बच्चा। जी आप आए। जी लगा रहे हैं आंसर। क्या बना रहे हैं नस्बत ये देखते हैं। फिफ्टी माइनस टेन माइनस फिफ्टीन देखते हैं। और इन्हें लगाए 25, और इनका आंसर दुरुस्त है। अब बुलाते हैं टीम ऐसे एक और बच्चा जो इसका आंसर लगाए, वो बताएगा हम इस्लामी नस्बत। वो कौन आ रहा है? जी आप आ जाएं। भाई क्या ढूंढ रहे हैं आप? 25 से क्या इस्लामी नस्बत बनती है? क्या पर्ची निकाल रहे हैं? उर्सा आला हजरत 25 सफ़र देखते हैं इस्लामी नस्बत सही है। जी इन्होंने लगाया है उर्सा आला हजरत 25 सफ़र। इनका आंसर दुरुस्त है, और इनका आंसर दुरुस्त है। जी आवाज़ से तो आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बातों की आवाज़ तो आ रही है लेकिन इधर की आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ से बोले इनका आंसर है। एक और टीम से टीम बी से बच्चा बुलाएंगे, कौन आएगा? जी आप हैं। जी देखते हैं 1 + 1 + 2 देखते हैं क्या इस्लामी नस्बत बनती है। आपके जी पिन लगा दिया आपने 1 + 1 + 2 इनका आंसर तो दुरुस्त है लेकिन अभी पूरा दुरुस्त नहीं हुआ। अभी आपको इसकी इस्लामी नस्बत भी निकाली लगानी है। कौन आ रहे लगाने के लिए? जी आ जाए आप आ जाए। देखते हैं इस्लामी नस्बत क्या है इसकी। जल्दी जल्दी लगाएं फिर वो टीम वाले काउंटिंग ना शुरू कर दें आपकी। जी वही नमाज फ़र्ज़ नमाज की इस्लामी नस्बत। जल्दी जल्दी करें जल्दी जल्दी करें। जी बिल्कुल यही है, दिखाएं मैं दिखाएं। प्यारे बच्चों यही इस्लामी नस्बत है नमाज असर की फ़र्ज़ रकातें। तो प्यारे बच्चों इनका आंसर दुरुस्त है। दोबारा एनर्जी ख़त्म हो गई, एनर्जी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। प्यारे बच्चों इनका आंसर दुरुस्त है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब वक्त हुआ है
छोटी आपा की बातों का। आइए चलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। प्रोग्राम तो खत्म हो गया। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। फातिमा, चप्पल या शूज पहनते वक्त पहले सीधा पांव दाखिल करना चाहिए फिर उल्टा? जी अभी मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन मैंने तो आपको उल्टा पांव दाखिल करते हुए देखा है। हाँ, क्योंकि ये तो घर की चप्पल है ना। नहीं फातिमा, चप्पल घर के इस्तेमाल के हो या फिर बाहर के, पहनते वक्त पहले सीधे पाँव में फिर उल्टे पाँव में पहनना ही सुन्नत है। अच्छा, और उतारते वक्त? उतारते वक्त पहले उल्टे पाँव से फिर सीधे पाँव से उतारना सुन्नत है। ठीक है, आप ही मैं ख्याल रखूंगी। जज़ाकअल्लाह खैरा। आमीन। अब आप जाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है छोटा काम बड़ा फायदा। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा। ओहो, लेट हो गया। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं समझा आप जा चुके हैं। नहीं, मैं सोया हुआ था और मुझसे जमात छूट गई। परेशान ना हो, मेरे पास इसका एक हल है। प्लीज बताएं ना। मोबाइल में अलार्म लगाएं और क्या? लगाया तो था लेकिन मालूम नहीं अलार्म ऑन हुआ भी था या नहीं। लाए मुझे दिखाएं। बच्चों का खबरनामा। अगर आप चाहें तो मोबाइल में एक साथ बहुत सारे अलार्म लगा सकते हैं। क्या बात है आपकी साग भाई, आप तो जीनियस हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा। अब देखना, तीन तीन अलार्म आपको नींद से उठाकर ही छोड़ेंगे। जी जरूर, अब मैं जाके नमाज अदा कर लेता हूँ। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। और अब सबसे आखिर में वक्त हुआ है हमारे सबसे आखिरी रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताएंगे। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। इस्लामी साल के 11वें महीने ज़िकादा शरीफ में भी आरास का सिलसिला होता है और आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में सुनेंगे वो उम्मुल मोमिनीन, सब मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बीवी हैं। मेरी मुराद हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा हैं। 4 हिजरी शव्वाल शरीफ के महीने में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदी अल्लाह अन्हा से निकाह फरमाया। आप रदी अल्लाह अन्हा का नाम हिंद है और अब्बू जान का नाम हुज़ैफा या सुहेल और कुनियत अबू उमैया है और अम्मी जान का नाम आतिका है। आप रदी अल्लाह अन्हा की कुनियत उम्मे सलमा है और आप नाम के बजाय कुनियत से ज्यादा मशहूर हैं। आप रदी अल्लाह अन्हा उन सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने पहले जमाने में ही इस्लाम कबूल किया और मक्के से मदीने की तरफ हिजरत भी फरमाई। आप रदी अल्लाह अन्हा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाती थी। एक बार खजूर की छाल से बने हुए बिस्तर पर सोने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर निशान पड़ गए। ये देखकर आप रदी अल्लाह अन्हा रोने लगी। आप रदी अल्लाह अन्हा को शरी अहकाम व कवानीन की एक्सपर्ट सहाबियात में शुमार किया जाता है। आप रदी अल्लाह अन्हा को उन 6 अज़वाज मुतहरात में से होने का शर्फ हासिल है जिनका ताल्लुक कबीले कुरैश से था। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने 59 हिजरी या 62 हिजरी को इंतकाल फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने आप रदी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी शरीफ में आप रदी अल्लाह अन्हा को दफन किया गया। इंतकाल के वक्त आप रदी अल्लाह अन्हा की उम्र मुबारक 84 साल थी। अल्लाह पाक की आप रदी अल्लाह अन्हा पर करोड़ों रहमतें हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। बिजाहिन नबी अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की नॉलेज हासिल करने के लिए देखते रहिए किड्स मंदी चैनल। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।
सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।